नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे, जब भी हम नया खाता खोलते हैं RD, SB, TD, तो उस पर एक जगह ऑप्शन आती है ज्वाइंट ए, ज्वाइंट बी और सेल्फ का। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो ज्वाइंट ए है और ज्वाइंट बी है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी होता क्या है। यदि हम ज्वाइंट ए में टिक करते हैं तो उसका मतलब क्या है, या फिर ज्वाइंट बी में टिक करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं, हम इसे अपने डिवाइस से आगे बढ़ते हैं और CVS वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। दोस्तों, ये देख रहे हैं हमारे डिवाइस पे 5 फंक्शन सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं ओपन न्यू अकाउंट को। इसे सिलेक्ट जब हम करेंगे, इसके बाद हमको जिस भी टाइप का खाता खोलना होगा वैसे हम इस पे सिलेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल मान लीजिए कि हमको RD अकाउंट खोलना है, तो हम RD को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे यहाँ पे टच करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम उस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास नए खाते खोलने के फॉर्म सामने स्क्रीन पे आ जाता है। और इसके आगे सबसे पहले आता है कि यहाँ पास अगर कस्टमर की कीप ID है, CIF ID है, तो हम इसे यहाँ पास एंटर करके उसका हम न्यू अकाउंट खोल सकते हैं। यदि कस्टमर की कीप ID नहीं है तो फिर हम इस फॉर्म को पूरा फिल करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पास सब सेकेंड में आता है प्राइमरी अकाउंट होल्डर, तो उसका नाम यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद हमको यहाँ पे शो करना है कि वह अगर माइनर है, नाबालिग है, तो उस पर यस करेंगे। यदि नहीं है तो हम यहाँ पे नो में टिक कर देते हैं। फिर यहाँ पास ज्वाइंट अकाउंट होल्डर 1 का कीप ID लगेगा है, तो नहीं तो फिर यहाँ पास उनके नाम और उसका रिलेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। और इसके आगे देखिए, ये RD खाता हमने खोला है तो उसका जो टर्न है तो 5 साल का है, और इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो मांगी जा रही है, जैसे हमको मंथली जितना भी डिपॉजिट करना है, मान लीजिए हमको 500 रुपये मंथली डिपॉजिट करना है, तो हम यहाँ पास फिर 500 रुपये एंटर करके और यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। लास्ट ऑप्शन आता है इसके आगे मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी। अगर हम किसी भी टाइप का खाता खोलते हैं तो यहाँ पे आता है सेल्फ, ज्वाइंट ए, ज्वाइंट बी। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ कि वास्तव में जो तीनों ऑप्शन हैं तो तीनों का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा, जो सेल्फ अकाउंट है ये क्या होता है। जिसके नाम पे खाता खुला है सिर्फ वही व्यक्ति पैसे को निकाल सकता है, निकासी कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, सिर्फ उसी के लिए रहेगा, स्वयं के लिए रहेगा, और डिपॉजिट तो कोई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पास हम बात करते हैं जो हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन है इसका, ज्वाइंट ए। ज्वाइंट ए ऑप्शन ऐसा एक ऑप्शन होता है जिसमें क्या होता है कि सिग्नेचर 2 व्यक्तियों के साथ में ज्वाइंट किया जाता है, ज्वाइंट ए कहलाता है ये वाला। ज्वाइंट बी वैसे ही है कि 1 और 2 के साथ में जोड़ के बनाया जाता है, किंतु ज्वाइंट ए ऐसा अकाउंट है जिसपे जब भी पैसा विड्रॉवल करना होगा तो इसमें पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जिसके साथ में इस खाता को ज्वाइंट किया गया है, दोनों व्यक्ति के सिग्नेचर होंगे, तभी उससे पैसे विड्रॉवल होंगे। और डिपॉजिट में तो कोई एक व्यक्ति या फिर अदर व्यक्ति भी आएगा तो डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट के लिए 1st, 2nd, 3rd तीनों के लिए सेम रूल है, किंतु अगर पैसे निकासी करना है तो ज्वाइंट ए में जब दोनों व्यक्ति की सहमति होगी, दोनों व्यक्ति के सिग्नेचर होंगे, तभी बैलेंस पैसे निकलेंगे, अन्यथा पैसे नहीं निकल सकते हैं। और दोस्तों, इस पे देखिए, इस पे क्या होता है, ज्वाइंट जो बी है, ज्वाइंट बी में ऐसा है कि 2 व्यक्तियों के साथ ज्वाइंट खाता खोला जाता है, और इसमें ऐसा होता है कि 2 व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति भी अगर विड्रॉवल वाले फॉर्म में साइन करता है, पैसे निकालना है, तो 2 व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति भी पैसे लेने आता है, विड्रॉवल पर्ची में 1 साइन करता है तो पैसे मिल जाएंगे। इसमें ऐसा कोई केस नहीं है कि दोनों व्यक्ति साइन करें तो ही पैसे मिलेगा। इसमें चाहे पहला व्यक्ति आके पैसे ले सकता है या दूसरा व्यक्ति आके पैसे ले सकता है, इसमें दोनों के लिए सही है। दोस्तों, मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप अकाउंट जब भी खोलें तो ज्वाइंट बी का ही खोलें, जिससे क्या हो कि 2 व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भी आए तो उसको पैसे मिल जाएं। आज का हमारे यहाँ पे सवाल ख़त्म होता है, और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। और मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।